तो फर्स्ट से लेकर नाइन्थ क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार ये, माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या, मुंह क्यों लगा रहा है मुझे। बचपन में ऑप्स बैट्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर टेंथ क्लास आ जाती है। दसवीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। टेंथ क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ किधर रखा है उसे, लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। टेंथ क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो साइंटिस्ट। ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पुची 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 पुई। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। टेंथ क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर, और टेंथ क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ, हगी मारू, लक्की मैन, काकाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप, वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे। मेरा तो हो ही नहीं रहा। क्लास से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचा है। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफनाकर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी, ये ये ये। अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी, अंधा है क्या छपरी? देखो अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगा तो कोसाइमस दाते भाइयो हैं। माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मेक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamas, amigo? Eres te porte, mamma mia! इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बंबई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ सपनों के शहर बंबई, मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बंबई आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर, और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। हाँ, हाँ, कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ते सबके सब कुत्ते।
तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। माता जी लेट्स रॉ, मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू डेब जी, थू जी, आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था जी, बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको जी। तो ये दसवीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है, मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया चार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। ग्यारहवीं और बारहवीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का, दो साल कहाँ निकल गए जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए उसमें मुझे क्या मिल रहा है मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में दो साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ, दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। अच्छा तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकी आया है रे, लगता है अपुन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले, वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे, तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों वैसे। चल बंटी कमाल, पात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकी आया है रे, लगता है कोई याद कर रहा। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से, वो मुझे पागल करता है। ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई। yeah. और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। yeah. पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेस्सी, क्रिश्चियानो रोनाल्डो, MCBC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर, थैंक यू फॉर ₹5 सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। है?